दिल्ली से आपने अमित अपनी बात की शुरुआत की थी, पॉजिटिविटी रेट यहां पर 10 के ऊपर चला गया, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे समझें इसे हम? सही, देखिए शुरू से हमने देखा लगभग अब 3 साल कह सकते हैं कि कोरोना की रिपोर्टिंग की हो चुकी है और इन 3 सालों में सबसे अहम बात जो हम लोगों ने सीखा है, आपने तमाम रिपोर्ट्स की होंगी, सबसे गंभीर स्थितियों की चर्चा दर्शकों के साथ की होगी, हम लोगों ने ग्राउंड से वो तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटिव फैक्टर होता है सईद, वो पॉजिटिविटी रेट ही है। आप टेस्टिंग कम कर दीजिए, आप चाहें तो 5,000 टेस्ट कराइए, 4,000 टेस्ट कराइए, लेकिन जब पॉजिटिविटी जो पॉजिटिविटी रेट का आंकड़ा है वो सारी पोल खोल के रख देता है। यानी कि अगर 100 टेस्ट कराया जा रहा है तो उसमें 10 लोग दिल्ली में इस वक्त पॉजिटिव आ रहे हैं। टेस्टिंग कम है, इस वजह से कल आपको 1500 केसेस मिले, 15,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है तो केसेस 15,000 है। इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझे तो अगर टेस्टिंग 30,000 कर देंगे तो आंकड़े बढ़ जाएंगे, 60,000 कर देंगे तो आंकड़ों में और इजाफा हो सकता है। यानी कि सबसे अहम फैक्टर होता है जो तस्वीर, एक इंडिकेटिव तस्वीर दिखाती है, वो पॉजिटिविटी रेट है। और अगर उसमें उछाल आ रहा है तो सरकारों को यह समझ में आ जाता है कि अब जरूरत है कि हमको टेस्टिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी और जो सच्ची तस्वीर है आखिरकार कितना स्प्रेड है, किस तरह का स्प्रेड है और किस वर्ग में स्प्रेड है, ये सारी चीजें आपको तब पता चलती हैं जब आपके आपका पॉजिटिविटी रेट लगातार 3-4 दिन तक एक स्पेसिफिक मार्क पे दिख रहा है तो आप उसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कितनी तेज रफ्तार से और किस वर्ग में फैल रहा है। लेकिन एक सबसे राहत की बात इस वक्त सईद ये है कि पॉजिटिविटी जरूर बढ़ी है, नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़े हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दर में उतनी ज्यादा रफ्तार आपको नहीं दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव है, देश ने एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया था और ज्यादातर राज्यों ने उस पे डिलीवर किया है और इस वजह से आपको जो नेशनल पर्सपेक्टिव में हम बात करें या दिल्ली के पर्सपेक्टिव में बात करें, ज्यादातर पॉपुलेशन वो है जिसको कोविड की एक डोज तो लगी गई है, दिल्ली के मामले में 2 डोजेस लग चुके हैं एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को और अब बूस्टर डोज की तरफ हम लोग बहुत लंबी रेस लगा रहे हैं, तेज रफ्तार से रेस लगा रहे हैं और इसका असर यह होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक शील्ड मिल गया है कोरोना के खिलाफ और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और वही पेशेंट्स हॉस्पिटल्स तक पहुंचते हैं जो लोग कोमॉर्बिड होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीनेशन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के दर में जरूर कमी आई है, गंभीर रूप से लोग बीमार नहीं हो रहे हैं और इसका असर जो डेथ रेट था देश में उस पर भी पड़ा है, डेथ्स में काफी गिरावट हुई है सईद।